आज है हमारा डे टू ऑफ दिस महाराष्ट्र रोड ट्रिप. सो एज यू नो स्टडे हम कोल्हापुर में रुके थे. सो स्टडे वी कवर्ड अराउंड 650 किलोमीटर्स एंड रीच्ड कोल्हापुर फ्रॉम बैंगलोर. सो कोल्हापुर में देखने के लिए लाइक यू नो सो डेफिनेटली लाइक देर आर मेजरली टू प्लेसेस. वन इज दैट लेक ओके एंड द अदर इज वन महालक्ष्मी टेम्पल विच इज़ फेमस. एंड आफ्टर दैट लाइक यू नो इफ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग लाइक this Kolhapur is famous for those leather sleepers okay. so leather ke products idhar acche milte hain and local jewelries okay artificial one. so these are some of the things which are famous in Kolhapur. so this is about day one. so if you have not watched the video like you know you can go and watch it. so it was an interesting road trip on NH48. today is day two and today we are like you know headed towards Mahabaleshwar from Kolhapur. सो महाबलेश्वर की यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 160 किलोमीटर्स. दैट इज वॉट गूगल इज सोइंग एंड इज सोइंग अराउंड लाइक नो विल रीच देयर बाई आई मीन इन 3 hours. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम कोल्हापुर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. सो इट्स सोइंग लाइक 11 o'clock पहुँचेंगे कोल्हापुर. लाइक नो इट्स अ गुड सिटी बाय द वे ओके. गुड एंड क्लीन ऑल्सो. क्लीन ऑल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो विल हेड विल टेक अगेन NH48 सेम एंड महाबलेश्वर तक जाएंगे. सो चलो रास्ता एंजॉय करते हैं. विल शो यू एंड विल शो यू ऑल द प्लेसेस टू बी विजिटेड इन महाबलेश्वर. व्हाट आर द यू नो यूनिक थिंग्स एंड ऑल. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड ओवर द टाइम वी विल अपडेट यू. इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब. वो तो ऑलरेडी कर चुका हूं. कर लो जाके. सो मॉर्निंग 8 o'clock का ये व्यू है. आप देख सकते हो ट्रैफिक इतना नहीं है. निकलने में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आप देख सकते हो सिटी कितना नीट एंड क्लीन है. ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी है ना. एंड देन सुबह सुबह जो सफाई कर्मचारी हैं दे आर ऑन ड्यूटी. तो रोड पे हैं एंड देन सब क्लीन कर रहे हैं. एंड सिटी बहुत क्लीन है. बहुत क्लीन है. लाइक कोई कोई सिटी होता है मतलब कैसे भी मतलब थोड़ा गंदा रहता है रोड के साइड में या फिर कहीं भी. कल रात में भी हम लोग जब घूमने निकले थे थोड़ा सा तो उस टाइम भी ना एकदम क्लीन सिटी था. सो और चारों तरफ ग्रीनरी भी आप देख सकते हो. मतलब पेड़ पौधे हैं. ऐसा नहीं कि पूरा साफ हो चुका है. हां नहीं नहीं अच्छा है. अच्छा लगा ओवरऑल. यहां का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था कोल्हापुर का. अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं एंड देन महाराष्ट्र में ओनली MH के गाड़ी दिखते हैं. फाइनली वी गॉट के गाड़ी. देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है और ऐसा लग रहा है कोई अपना दिख गया हो है ना. ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. कल से MH देख देख के ऐसा लग रहा था ये. सो फाइनली मिल गया हमें. तो क्या खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है. चलिए मतलब वैसा के देखने का आदत है इधर बस MH हम लग हमें ऐसा लग रहा है ना कि अरे भाई हम कहाँ आ गए अपना स्टेट छोड़ के. तो इसीलिए के का गाड़ी दिख के थोड़ा मतलब लगा खुशी हुई हमें बहुत. तो एक बार जाके उसको हाय बोले. हाय बोल के वो हमें हाय बोल के क्या भाई ऑन दे के क्या मतलब सच में काइंड ऑफ पता नहीं. तो ये सिचुएशन है. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है. And देख सकते हो लाइक नो ये जो हमारा जो पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेस वे बन रहा है उसी का ये सब काम सब चल रहा है. आई थिंक लाइक नो इसको एक्सप्रेस वे बनाना है. सो हर जगह ब्रिज एंड देन यू नो डाइवर्जंस हैं. एवरीवेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. सो आई थिंक दिस इज फॉर दैट एक्सप्रेस वे ओनली. दैट्स व्हाट आई फील. सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन आर गोइंग ऑन. आप देख सकते हो इसके वजह से ही चारों तरफ रश ही रश है. एंड ये इसका स्ट्रेच जो है वो बहुत ही लंबा है. सो एज सून एज वी एंटर्ड महाराष्ट्र महाराष्ट्र से लेके पूरा NH48 पे काम ही चल रहा है ओके. सो ये एक्सप्रेसवे का ही काम है ओके. आई एम वेरी श्योर क्योंकि जो पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे है दैट इज सपोज टू बी रेडी बाई 2028. एंड सो अभी जो NH48 है ना दैट विल मर्ज समवेयर इन NH48 लेटर. सो बैंगलोर से जो स्टार्ट हो रहा है ना डेट इज वो STRR से स्टार्ट होगा नियर होस्कोटे. सो वहाँ से स्टार्ट होगा एंड देन यू नो उसके बाद से दिस विल मर्ज इन टू NH40 एट सम इन सम प्लेसेस. सो ये उसी का
पुणे तक का स्ट्रेच रेडी हो रहा है। एंड ये काफी मतलब भयानक तरीके से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो छोटा मोटा है कुछ, बहुत ही एक्सप्रेस वे यार, एट एटलीस्ट सिक्स लेन दे आर मतलब कंस्ट्रक्टिंग, सिक्स लेन होगा एक्सप्रेस वे। एंड ये जैसे हमारा बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे है ना, ये साइड में दो लेन इधर और दो लेन उधर, फोर लेन इज अ सर्विस रोड, सो दीज आर द सर्विस रोड, दैट्स व्हाट आई फील, एंड देन जो वो है दैट इज विल बी द एक्सप्रेस वे। सो दिस इज द अपडेट गाइज अबाउट पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेस वे, मे बी आई मीन यू नो 2088 इट्स टू फार, बट एनी वेज कंस्ट्रक्शन आर गोइंग ऑन, जो शुरू है या वी हैव टेकन द फर्स्ट ब्रेक फ्रॉम कोल्हापुर से निकलने के बाद, ये फर्स्ट ब्रेक है हमारा। तो यहाँ पे लोकेशन इतनी अच्छी थी कि वी थॉट आउट कि थोड़े फोटोज वगैरह लेंगे एंड विल हैव टी। तो बस अभी जाते हैं, चाय वाय पीते हैं एंड फिर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो गूगल है वो हमें दिखा रहा है 2 आवर्स में पहुँच जाएंगे 163 किलोमीटर अराउंड। तो एक बार हम चाय पी के एंड फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस वी हैव कवर्ड मोर देन 100 किलोमीटर्स और महाबलेश्वर के लिए NH48 यहीं से छोड़ना है, ओके, एंड देन द नेक्स्ट लेफ्ट, सो यहां से लेफ्ट टर्न लेना है महाबलेश्वर के लिए। सो यहां से फिर ना NH48 पे 3 लेन स्टार्ट हो जाता है, सो यहां से कंस्ट्रक्शन उतना नहीं हो रहा है। अगेन 400 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न, यहां से फिर लेफ्ट टर्न लेके एंड देन NH48 फाइनली हमने छोड़ दिया, एंड देन यहां से 300 मीटर के बाद स्टेट हाईवे 58 लेके महाबलेश्वर चला जाएगा। सो यहां से महाबलेश्वर का डिस्टेंस है अराउंड 57 किलोमीटर एंड गूगल इज शोइंग लाइक यू नो इट विल टेक अराउंड 1 आवर एंड 17 मिनट्स। सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ये SH, यहां से रोड्स कैसे हैं SH 58। सामने आप देख सकते हो लेडीज पुलिस एंड विदाउट हेलमेट। तो यहाँ पे एक चीज और है कि हेलमेट आप देख सकते हो किसी ने नहीं पहना है, किसी ने नहीं, तो सेफ्टी की बात जहाँ तक आती है तो सबके लिए होना चाहिए, राइट। तो कहीं कहीं स्टेट में आप देखोगे विदाउट हेलमेट आप बाहर ही नहीं निकल सकते हो, लाइक बैंगलोर हम लोग 1 किलोमीटर भी जाना है तो विदाउट हेलमेट वी कैनॉट गो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो जितने लोग टू व्हीलर में है सारे लोग विदाउट हेलमेट ही है, नॉट कंपल्सरी, तभी तो ऐसे घूम रहे हैं ना। सिटी अच्छा है, मतलब ये तो सतारा है, सतारा है, करेक्ट। तो सतारा से हमने टर्न लिया है बाय द वे, सो नो यस्टरडे वी सॉ इन कोल्हापुर कि किसने हेलमेट नहीं पहना था। कोल्हापुर से अच्छा सिटी है लग रहा है बड़ा, हाँ करेक्ट, थोड़ा बेटर है, हाँ बेटर है एकदम, मतलब अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बैंगलोर जैसा भी है यार, ट्रेड रोड चारों ओर, करेक्ट करेक्ट, अच्छा है वो पीछे वाला जो डीमार्ट वाला रास्ता है ना बैंगलोर का, 57 किलोमीटर से इतना ही था ना, इतना ही था, 57 ही था। तो यार गाइस फिर चलते हैं यहाँ से एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा होगा, एंड आप कहीं भी हो अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनो, ना कि किसी के उसमें आके कि अरे पुलिस है तो ही पहनना है। तो चलते हैं। सो गाइस बहुत अच्छी लोकेशन हमें मिल गई है फॉर ब्रेकफास्ट, तो आप पीछे भी देख सकते हो पूरा पहाड़ एंड काफ़ी सफिशिएंट प्लेस मिल गई है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी की हैं पार्क, एंड दिस इज़ आवर रेस्टोरेंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, मेरे को तो अगर मैगी मिल जाए तो मैं वही खा लूँ बिकॉज़ यहाँ का थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है। तो अभी चलते हैं एंड धीरज अपने काम में। आप देख सकते हो जब से हम निकले हैं कल से अभी तक हमने एक बॉटल पानी नहीं खरीदा, आई विल शो यू। तो आप देख सकते हो हमारा ये जुगाड़ जो है, और ये सारे पानी जो हैं एकदम चिल हैं, मतलब बैंगलोर से निकलने के बाद हम ठंडा ठंडा पानी पी के ऐसे अभी तक तो आए हैं, एंड देखते हैं अभी और कितने दिन तक रह सकते हैं, है ना। Yeah, I think someone is calling me. तो बस एक बार कॉल ख़त्म हो जाता है देन विल गो एंड विल हैव ब्रेकफास्ट, एंड अभी तक की जो हमारी जर्नी थी बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एंड रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, तो मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम महाबलेश्वर में कौन कौन से प्लेसेस पे घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली विल शेयर। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो गाइज हमारा हो गया पोपट एंड ब्रेकफास्ट करने हम गए, बट वहाँ पे ब्रेकफास्ट का ऐसा कुछ सीन नहीं था,
सो डायरेक्ट है लंच एंड वो भी स्टार्ट एट 12 PM से. तो वापस सभी हम जा रहे हैं राइट. एक ही बार अपने जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के ही देखते हैं, अगर ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो जाएगा देन डायरेक्ट विल हैव लंच ओनली. तो अभी चलते हैं ना. सो गाइस फाइनली वी आर ऑन द वे वाया, कहाँ जा रहे हैं हम? सो अभी हम लोग महाबलेश्वर के मतलब ना पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं. सो रास्ते लाइक हम बहुत जगह हिल स्टेशन जाते हैं ना तो रास्ते थोड़े पतले पतले होते हैं, बट यहाँ के रास्ते काफी मतलब कि वाइड है एंड ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो बेंस भी है ना मतलब उतना टफ बेंस नहीं है, लाइक अभी तक ऐसा कुछ हेयरपिन बेंस टाइप का तो नहीं मिला लाइक वी गो इन कोडाई कनाल वैसा. थोड़ा कर्वी, थोड़ा नहीं ज्यादा ही कर्वी रास्ता है, बट वो गोवा जाने वाला जैसा कर्वी रास्ता है ना वैसा ही ये भी कर्वी रास्ता है, चौड़े चौड़े बट रोड है. एंड गाइस लुक एट द व्यू, व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं. अभी तो टॉप पे पहुंचने के बाद पता नहीं और कितना अच्छा आएगा. और इधर दूसरी बात ये भी है ना कि मेरे को उतना मतलब क्राउड एंड रश नहीं दिख रहा है. लाइक लास्ट टाइम जब हम लोग कोडाईकनाल गए थे आई मीन बहुत लोग उस टाइम आए थे अंदर ना, ओवर रेटेड हो चुका है. सो यहाँ पे उतना ना क्राउड नहीं है, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब गाड़ी ही नहीं दिख रहा, हमारे पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी एक दो ही. बहुत ड्राइविंग भी अच्छा है, ओवरऑल जगह का फील जो है ना लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड बहुत अच्छा फील आ रहा है. सुपर यार मजा आ गया सच में. एंड गाइस आप देख सकते हो व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग्स है ना वो पहाड़ के ऊपर वो घर बने हुए हैं एक्चुअली. तो मतलब पता नहीं कि हमें ऊपर तक जाना है या फिर वो ऐसा कुछ रिजॉर्ट है, कुछ ऐसा स्टे है, बट दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है. एंड धूप भी इतनी अच्छी है, वेदर भी काफी अच्छा है, सब कुछ सही है. आपको कैसा लग रहा है ड्राइव? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार, और ना रस नहीं करना है और ना एंजॉय करते जाना है. पीछे 5-6 गाड़ी आ चुकी है. अभी मैं बोल रही थी पीछे कोई नहीं है. नो इट्स ऑल राइट, हम लोग थोड़ा स्लो चल रहा है ना इसलिए भी गाड़ी एक्युमुलेट हो जा रही है क्योंकि ओवरटेक उतना इजीली नहीं हो रहा ना. इसलिए तो बस यही है, ऊपर एक बार एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं एंड फिर आपको ओवरऑल व्यू दिखाते हैं. Some jungle is there. Let's see inside the jungle. Waterfall is also there. So let's see. We'll go and ask what is there. Then we'll go inside. Waterfall. How many kilometers? 200 steps. Right side. 200 steps. चलोगे? हम देख लो. 200 steps. जहाँ स्टेप्स की बात आई वहाँ से हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं. चलते हैं ना यार, वहीं मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं उधर नहीं इधर चलते हैं. नहीं जाना नहीं, वो बहुत अच्छा अच्छा हम लोग वाटरफॉल देख चुके हैं. चलो हमें जहाँ जाना है वहाँ जा, नहीं तो ना दिन पूरा वो हो जाएगा, बाकी चीज नहीं घूम पाएंगे राइट. सो गाइस सम वाटरफॉल वाज देयर, सो वी आर गोइंग बैक बिकॉज हमारा जो डे का प्लान है वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेट हो जाएगा. सो एंड वाटरफॉल हमने ऑलरेडी बहुत सारे देखे हैं तो वी आर प्लानिंग टू गो बैक. अभी हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे हम जाते हैं, है ना? सो गाइज महाबलेश्वर पहुँचते ही आप देख सकते हो चारों तरफ स्ट्रॉबेरी के शॉप्स एंड इतने फ्रेश. और लूंगी मैं बट अब हम वापस आते टाइम भी लेंगे ना, घूम लेते हैं पहले, है ना? तो हम भी लेंगे बट एक बार चलते हैं यहाँ से. यानी यहाँ पे इनके बहुत बड़े बड़े फार्म भी हैं, तो मतलब पूरे रास्ते में स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी है. तो चलते हैं, है ना? आगे भी तो मिलेगा ना, अभी 13 किलोमीटर जाना है. हाँ मिलेगा मेरे को, वहाँ पे वेट करके बहुत लोग अच्छे से ले रहे थे इसलिए मैंने. नहीं 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 आगे ही ले लेंगे. तो हम चलते हैं थोड़ा आगे एंड उसके बाद, क्योंकि बहुत देखिए नेक्स्ट भी वहाँ पे सामने में चादर लगा के रोड के साइड में ही आपको मिलेगा. एंड मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि बहुत चीप है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं दूसरे जगह से कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे उसके बहुत बड़े बड़े फार्मिंग होती है. तो लेट्स सी एक बार, बट आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप आते हो तो यहाँ से लेके ही जाना, यहाँ का स्ट्रॉबेरी थोड़ा फेमस है. देखो आप ऐसे यहाँ पे
और मैप जो है हमारा नेटवर्क नहीं होने की वजह से स्टॉप हो चुका है। हाँ आ गया, तो बस चलते हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे हैं ना, गार्डन जो है ना, लाइन से कितने सारे शॉप है, सारे स्ट्रॉबेरी के हैं देखो सारे। तो बहुत बड़े फार्म है इधर फ्रेश स्ट्रॉबेरी, एंड इस तरफ आप देख सकते हो ये पूरा फार्म है स्ट्रॉबेरी का, मैंने वापस आते टाइम देखा था। सी वाहने सावकाश चलावा, इट मीन्स वाहन सावधानी से चलाएं। थोड़ा समझ आ रहा है वो लिखा हुआ है ना, देख के कैन अंडरस्टैंड। तो बस चलते हैं अभी फिलहाल। सो गाइस हम पहुंच गए महाबलेश्वर के कौन से, मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन, सो इसमें फार्म वगैरह होता है, एंड स्पेशली वहां पे स्ट्रॉबेरी की कैसे फार्मिंग की जाती है वो सारे आपको दिखाएंगे प्रोसीजर। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक गोभी ये सब है, मतलब डायरेक्ट आप फार्म से उठा सकते हो, तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड है, और पार्किंग का तो पार्किंग का भी बहुत, लेकिन फ्री पार्किंग है, ये एक मेरे को अच्छा चीज लगा। फ्री पार्किंग है ना, इसमें गाड़ी पार्क कैसे होगा वही सोचना है। हो जाएगा जैसे जैसे खाली होगा ना, तो बस थोड़ा सा हम पार्किंग वार्किंग का देख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अंदर, आपको भी पूरा दिखाते हैं कैसे फार्मिंग होती है जो भी है, हम क्या क्या खरीदने वाले हैं यहाँ के, क्या क्या चीजें स्पेशल है वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो बस एक बार पहले गाड़ी पार्क कर लें अच्छे से, देन चलते हैं। यहाँ पे ये कौन सा फेसलिफ्ट है यार, हैरियर है क्या, हैरियर का फेसलिफ्ट, ठीक है वो हैरियर है, बस देख के ही समझ जाएंगे ये इसी कलर में है। तो बस एक बार हम चलते हैं एंड सारी चीजें आपको दिखाते हैं। चलो मस्त पार्किंग तो मिल गई ना यार, एंड बहुत अच्छे से पार्किंग करते हुए धीरज हासिल कर ली सफलता। एंड ये सारा इधर से एग्जिट है तो आप जा सकते हो, एंड यहाँ पे अगर आप आते हो यहाँ पे तो एक बार आप जरूर आओ इस प्लेस पे, लुक्स लाइक इट्स वेरी फेमस। तो बस चले चलो उधर सफिशिएंट जगह निकल सकता है, यस चलते हैं फिर। तो गाइज आपने देखा होगा कितना फ्रेश यहाँ पे जो भी स्ट्रॉबेरी थे, एंड इस तरफ जो है इनके सारे फार्म है, उधर हम जा रहे हैं अभी, एंड उधर जाके फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है, क्योंकि हमें भी अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, तो एक बार चलते हैं वहाँ। तो ये सारे वो फार्म है आप देख सकते हो, ये सारे स्ट्रॉबेरी के हैं, वो सारे फूल गोभी के हैं पीछे जो हैं, एंड हमें इस वे में जाना है तो दिखाते हैं आपको। ऐसा है कि सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, राइट इधर से आते हैं ना, हाँ डेट्स डेट्स। एमआरपी है ना इधर 162, एमआरपी 180, आवर प्राइस 162। नाइस। अरे उसकी ब्यूटी कैसा है वोडका जैसा, काफी फ्रेश नेचुरल वो टेस्ट आ रहा है ना, हम जो बॉटल का लेते हैं उसमें ये टेस्ट नहीं है। सच में काफी मतलब फ्रेश पीने के बाद ना भी थोड़ा ही पिया है, बट कितना मीठा है, मीठा है, खट्टा रहता है, केमिकल का रहता है।
सो गाइस, घूमने के बाद अब हो गई है लंच की बारी। हमने एक केजी स्ट्रॉबेरी भी ले लिया एंड ये मेरे को फूड टाउन दिख रहा था बट ये फन टाउन है। सो वी फाइंड आउट वन रेस्टोरेंट, तो चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या है लंच में। हर जगह से लगा हुआ है, इधर 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 भी देखा है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। सो गाइस, फाइनली हमारा लंच हो गया डन एंड बहुत ज़्यादा हमने खा लिया, तो बस अब निकलते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज रश बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी। ये हमने भैया से लिया, प्राइस नहीं बताएंगे, 50 रुपये और चाहिए। हाँ, और ये एक कढ़ाई पैन लिया चाइनीज का। हाँ, वो तो उनको आज गलत इंसान से पड़ा। 50 रुपीज चेंज ले दो, दो दो खरीद लिया, एक लेने आया था दो ले लिया। बताओ, चार चार पांच पांच आइटम लेके जाते दीदी, पांच पांच छह हजार का आइटम लेके जाते, बट अब प्राइस बहुत ज्यादा रखे थे। चलो भैया ठीक है फिर, थैंक यू, चलो बाय। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पंचगनी व्यू पॉइंट एंड वन ऑफ द फेमस प्लेस इन महाबलेश्वर। तो चलते हैं एक बार व्यू पॉइंट पे एंड फिर आपको दिखाते हैं वहां से, इस तरफ है वो, इस तरफ। तो लेट्स गो। This is a stay in Mahabaleshwar and see the roads, कितना डाउन हम जा रहे हैं एंड लुक एट द व्यू। तो एकदम माउंटेन के बीच में है एंड यही पार्क करना है गाड़ी। अंदर काफ़ी रश है, बाहर से मेरे को लगा पता नहीं क्या कैसे हमने कर दिया इधर बुक, बट इट्स नाइस, पहाड़ पे ऐसे ही आपको स्टे मिलते हैं। तो एक बार गाड़ी अच्छे से पार्क करते हैं एंड फिर हम अंदर जाते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं। एंड दिस इज आवर स्टे, तो आई विल शो यू द रूम का व्यू। तो बहुत ही प्यारा व्यू है हमारे रूम से, सो लुक एट दिस। एंड दिस इज अ व्यू फ्रॉम बालकनी। तो बस चेंज वेंज करते हैं फिलहाल एंड फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 5 o'clock एंड अभी हम चाय पी रहे हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग। कल फिर हम निकलने वाले हैं लोनावला के लिए, तो कल सुबह फिर आपसे अपना डे स्टार्ट करेंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करेंगे एंड इस व्यू के साथ हम अपना चाय एंजॉय कर रहे हैं। सो चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं कल सुबह, बाय, टेक केयर।